मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशंस, सेकंड टाइप्स हैं इसके, सेकंड इज़ अ सेकंड वन स्कोर। इसमें वही चीज आते हैं, फिर दोबारा से देखिए, हम जानते हैं ए इज अ सॉल्वेंट तो ए के बीच का इंटरेक्शन फोर्स होगा। फर्स्ट कंडीशन में समझो कि किस कंडीशन में ये निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ए इंटरेक्शन जैसा कि आप जानते हैं बीबी इंटरेक्शन, मैं यहां पे हमेशा ए को सॉल्वेंट कहता हूं और बी को हमेशा सॉल्यूट कहता हूं। तो ए का इंटरेक्शन फोर्स बीबी का इंटरेक्शन फोर्स अगर मान लीजिए लेस देन हो जाए ए बी इंटरेक्शन के, पहला कंडीशन, जिसका मतलब सॉल्यूशन जब नया बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर, अगर वो बड़ा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए पहले के रिस्पेक्ट में, दैट इज दैट इंटरेक्शन फोर्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द लॉर्ड्स लॉ। अब हमें यह देखना है कि आखिर ए बी का इंटरेक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फिर अगेन मैं वही मैरिज की बात करूंगा। यहां पे बात करते हैं अरेंज मैरिज की। ए इज अ बॉय बी इज अ गर्ल, ना ए जानता है ना बी एक दूसरे को जानते हैं, बट आफ्टर इंटरेक्शन व्हाट हैपन, ए बी के बीच में बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है, ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरेंज मैरिज ज्यादा लंबे वक्त चलता है, जैसे हम सबके पेरेंट्स ने शादी की है उस तरह से लाइफ गुजारी है, तो दैट कंडीशन मतलब ये जनरल डाटा कहता है, मैं डाटा के हिसाब से बात कर रहा हूं एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर, तो बाद का इंटरेक्शन मैरिज अरेंज मैरिज में ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। सेम एज वहीं पर ए बी का इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। सेकंड कंडीशन कहता है कि जो रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं पी ए इज इक्वल टू लेस देन पी नॉट ए, जाहिर सी बात है जब इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम होगा, वेपर कम बनेंगे, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी जाई बी, तो देन अगेन द पी एस इज ऑलवेज लेस देन पी ए प्लस पी बी। देखिए रॉड्स लॉ से ये डेविएट कर चुके हैं, पी ए और पी बी बच चुके हैं। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें यहाँ पे तो इसका ये ग्राफ नजर आएगा, आपको ग्राफ में दिखाता हूँ, ये ग्राफ है, दैट इज जाई ए इज इक्वल टू वन एंड दैट इज जाई बी इज इक्वल टू जीरो, सेम एज वैसे ग्राफ है, जाई ए इज इक्वल टू जीरो एंड जाई बी इज इक्वल टू वन, यहां लिखेंगे आप मोल फ्रैक्शन और यहां आएगा वेपर प्रेशर। जैसा कि यहां सिर्फ ए कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, जाहिर सी बात यहां पे पी नॉट ए आएगा, यहां बी कॉम्पोनेंट प्रेजेंट, यहां पे पी नॉट बी। आप गौर करना, मैं हमेशा ए को ऊपर बी को नीचे या बी को ऊपर ए को नीचे आप ले सकते हैं। इसके रीजन है कि कभी भी कोई एक टाइप का सॉल्वेंट या सॉल्यूट या तो दो डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट कभी भी उनका वेपर प्रेशर सेम नहीं हो सकता। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं इट इज ओनली फॉर द नॉन वोलर वोलेटाइल सॉल्यूशन सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो गैस बन के आसानी से जा सकते हैं। तो ग्राफ अगर हम रॉड्स लॉ को प्लॉट करें तो ये सिंपल आप जानते हैं पहले से, ये होता है रॉड्स लॉ। अब डेविएशन क्या हुआ, टोटल प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज करेगा, तो जाहिर सी बात पी ए डिक्रीज करेगा, फिर पी बी डिक्रीज करेगा और देन अगेन पी एस डिक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज पी ए इज लेस देन पी नॉट ए जाई ए जाई ए एंड दैट इज पी बी इज लेस देन पी नॉट बी जाई बी एंड अगेन द पी एस इज इक्वल टू लेस देन पी नॉट ए सॉरी पी ए प्लस पी बी के। तो ये तो रहा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके जरिए हम ये साबित करते हैं कि नेगेटिव डेविएशन कैसे होता है। सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, इसमें हमेशा वॉल्यूम डिक्रीज कर दे। फॉर एग्जांपल हम 10 ml ए लेते हैं 10 ml बी लेते हैं, मिलाएंगे तो 20 ml से कम 19.5 19.2 इस तरह से कुछ वैल्यू वॉल्यूम में कमी आएगी। डी पॉइंट इज कॉल्ड डेल्टा एच मिक्सिंग, जब अगर आप दोनों को मिलाएंगे उस कंडीशन में इट बिकम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो हीट एनर्जी इवॉल्व करेगा बिकॉज पार्टिकल जब करीब आते हुए एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लें, जैसे एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, आप अगर एग्जाम्पल को समझो समझ में आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ये एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है H और ये हमारे पास Cl, ये हमारे पास Cl और ये हमारे पास Cl, इसे पार्शियल पॉजिटिव इसे पार्शियल नेगेटिव, तो अल्टीमेटली क्या कीटोन के O से और क्लोरोफॉर्म के H से एक नया इंटरेक्शन फोर्स टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से इसका इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, जिसकी वजह से इस यहाँ पे पार्टिकल का इंटरेक्शन फोर्स बढ़ता है। पहले सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन थे और बाद में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने लगते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन फोर्स एज कम्पेयर टू डायपोल इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है। इसी की वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर निगेटिव डेविएशन होता है। इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव दो तरह के नॉन आइडियल सोल्यूशन पाए जाते हैं।